हाय गाइज, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट्स में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएँ, मात्रा की यूनिट्स। इसमें दोस्तों आपके करीब 50 लगभग 40 से 50 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं केवल मात्रक से यानी यूनिट से। और हर साल आपके 3 से 4 क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तक आपके यूनिट्स से आने वाले हैं। और हम मेरे हिसाब से इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन भी फंस जाए, फंसने की पूरी पूरी संभावना है। क्योंकि दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हर साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, जाके देख सकते हैं हम लोग पेपर उठा के। तो जितने भी हैं कवर करीब मैंने इसमें 40-50 क्वेश्चन आपके जो है कलेक्ट किए हैं। और जितने भी कलेक्टेड क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से। इसलिए चाहे यूपी पॉलिटिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे दिल्ली, चाहे उत्तराखंड, चाहे किसी भी स्टेट के पॉलिटिंग एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर, आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए और वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करिए। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबी हो गई क्योंकि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर लिया। और मैं आशा करता हूँ कि इस इतने जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं मात्रक वाले टॉपिक से, इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन पूछा नहीं जाए, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ध्यान से देखिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और कौन ने बताया कैसा लगा आपको वीडियो, आप हमारे फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन वहाँ डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और आप सभी के हेल्प के लिए मैंने आप सभी के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया गया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके जुड़ जाएगा। अभी कल ही बनाया है तो जाके जुड़िए, वहाँ पर भी नए नए अपडेट मिलते रहेंगे आपको। पीडीएफ भी हो सकता है मिल जाए वहाँ पर आपको, तो इसलिए वहाँ पर जुड़ जाइए, पीडीएफ वहाँ पर ज़रूर मिलेगा आपको। तो दोस्त चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक तो एक बनता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद वीडियो बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो आपका क्वेश्चन मात्रक यूनिट से है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी सेलेक्ट किए गए। तो देखिए क्वेश्चन एक और पहला, किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को क्या कहते हैं। किसी राशि के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। अब देखिए मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट्स और एक व्युत्पन्न मात्रक यानी डिराइव्ड यूनिट। दो मूल मात्रक होंगे आपके। एसआई पद्धति में एसआई का पूरा नाम क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल आपका पूरा नाम है। हालांकि बेसिक क्वेश्चन भी मैं उठाऊँ, इसलिए सभी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। तो चलिए और आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एसआई पद्धति में मूल मात्रक कितने हैं, तो मूल मात्रक आप सभी को पता होगा, फिजिक्स में पढ़े होंगे, 7 आपके 7 मूल मात्रक हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मूल मात्रक और संकेत क्या है। द्रव्यमान का मूल मात्रक देखिए आपका किलोग्राम होता है, इसका संकेत जो है केजी यानी किग्रा होगा। अगला क्वेश्चन, एसआई पद्धति में समय का मूल मात्रक क्या, मात्रक और संकेत क्या है। तो समय का मूल मात्रक जो है सेकंड होता है और इसका संकेत या सानी सेकंड होगा, यस। अगला क्वेश्चन देखिए आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कि एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक और संकेत क्या है। तो एसआई पद्धति में लंबाई का मूल मात्रक का मीटर होगा और संकेत होगा यम यानी मीटर। वही अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण है आपका, ध्यान दीजिएगा। एसआई पद्धति में पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक और संकेत, तो परिमाण का मूल मात्रक होता है पदार्थ का मोल और उसका संकेत मोल होगा, MOL। चलिए आगे बढ़ते हैं आप सभी के क्वेश्चन को लेकर। वीडियो थोड़ा लंबी होगी लेकिन देखिएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एसआई के संपूरक मूल मात्रक कितने हैं। तो संपूरक मूल मात्रक दो हैं आपके, समतल कोण और घन कोण, रेडियन और स्टे रेडियन। इंग्लिश में इसको रेडियन और स्टे रेडियन कहते हैं, तो कभी कभी स्टे रेडियन और रेडियन पूछ देगा तो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एसआई पद्धति में समतल कोण का मूल मात्रक और संकेत क्या है। समतल कोण के मूल मात्रक और संकेत, तो समतल कोण जो है आपका रेडियन होगा, इसको रेड यानी RAD से संकेत करेंगे। एसआई पद्धति में घन कोण का मूल मात्रक देखिए आपका स्टे रेडियन होगा और संकेत इसका SR होगा, SR स्टे रेडियन। एसआई पद्धति में ताप का पुराना मात्रक जो आपका था वो है, मतलब अभी भी है आपका डिग्री सेंटीग्रेड आपका पुराना मात्रक है, अब तो हम लोग डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं, तो ये भी देख लीजिए। तो एसआई पद्धति में ताप का नया मात्रक डिग्री सेल्सियस होता है, इसी को पहले हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड कहते थे, अब डिग्री सेल्सियस बोलते हैं।
और अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एसआई पद्धति में आवृत्ति का पुराना मात्रक क्या है। आवृत्ति का जो पुराना मात्रक था कंपन प्रति सेकंड यानी सीपीएस था। अब देखिए नया वाला जो मात्रक आपका कंपन आपका आवृत्ति का है, एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है, उसको हर्ट्ज यानी एचजेड से संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या है, यानी ज्योति तीव्रता का जो पुराना मात्रक था दोस्तों कैंडल शक्ति था, सीपी जिसको बोलते हैं, और एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक, और आप जानते हैं दोस्तों अब ज्योति तीव्रता को कैंडेला मात्रक, अब कैंडेला है, पहले कैंडल शक्ति बोलते थे, अब कैंडेला हो गया, ध्यान दीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है एसआई पद्धति में ताप का मूल मात्रक और संकेत क्या है, तो ताप का मूल मात्रक केल्विन जिसको के से संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक और संकेत क्या है, जो विद्युत धारा का मूल मात्रक और संकेत क्या है वह एम्पियर है, इसका संकेत ए है। एसआई पद्धति में ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक और संकेत क्या है, देखिए कैंडेला है आपका, सी डी से आपका कंड से संकेत किया जाता है यानी दर्शाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका, मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या कहलाते हैं, जो मूल मात्रक उसके व्यक्त किए जाने वाले मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश वर्ष, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है या किसकी इकाई, तो दूरी मापने की इकाई है। अब देखिए एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है, अब जो इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन मैंने बताया ऊपर नीचे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य होता है, तो एक प्रकाश वर्ष दोस्तों जो होता है आपका 9.46 × 10^15 मीटर, या 9.46 × 10^12 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्या कह रहा है, समुद्री दूरियों को किस में मापा जाता है, जो समुद्री दूरी होती है उसको नॉटिकल मील में मापा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका मात्रक से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, एक नॉटिकल मील कितने मीटर के बराबर होता है, तो एक नॉटिकल मील जो है आपका एक 1852 किलोमीटर, सॉरी आपका 1852 मीटर होगा। और देखिए अगला, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है, ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी इकाई जो है पारसेक है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सब्सक्राइब करना भूले आप एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, कोई भी अपडेट कन्फ्यूजन पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और फेसबुक पेज का भी जरूर जुड़िए, तो कमेंट में बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है, जो एक पारसेक है वो कितने प्रकाश वर्ष के तुल्य होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष। वहीं देखिए अगला क्वेश्चन, एक पारसेक कितने मीटर के तुल्य होता है, तो एक पारसेक जो है 3.08 × 10^16 मीटर के तुल्य होता है। अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान में सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप क्या है, सीजीएस पद्धति का पूर्ण रूप है आपका सेमी ग्राम सेकेंड आपका सीजीएस, सी से सेमी होता है, जी से ग्राम, एस से सेकेंड, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आपका कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, बल का सीजीएस पद्धति मात्रक जो आपका दोस्तों क्या है, डाइन है। और देखिए अगला क्वेश्चन, बल का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, बल का एसआई पद्धति मात्रक आपका न्यूटन होता है, एक न्यूटन कितने डाइन के तुल्य होता है, तो एक न्यूटन आपका 10^5 डाइन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है, कार्य का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है अर्घ होता है, कार्य का सीजीएस पद्धति मात्रक अर्घ। अगला क्वेश्चन, कार्य का एसआई पद्धति मात्रक, कार्य का एसआई पद्धति मात्रक होता है आपका जूल, कार्य का सीजीएस में अर्घ जबकि एसआई पद्धति में जूल है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक जूल कितने अर्घ के तुल्य होता है, जो एक जूल है कितने अर्घ के तुल्य होता है, तो आपका 10^7 अर्घ के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, भौतिक विज्ञान में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को किस घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो 10^10 के रूप में आपका व्यक्त किया जाता है,
अब देखिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी बता रहे हैं आप। एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के तुल्य होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम आपके 10^-10 मीटर के तुल्य होता है। वहीं आपका एक माइक्रोन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो आपका एक माइक्रोन 10^-6 मीटर के तुल्य होगा। आपका 10^-6 मीटर के तुल्य एक माइक्रोन होगा। 10^18 का विशेष नाम और प्रतीक, तो 10^18 का विशेष नाम आपका एक्सा होगा, इसका प्रतीक ई होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक सही समय की मापन घड़ी कौन सी है? तो आपकी परमाणु घड़ी है। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड परमाणु घड़ी में सीजीएस 133 परमाणु के कितने कंपन के बराबर हो? तो आपका जो है कंपन होगा 9.19263170 कंपन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चाहे इसका स्क्रीनशॉट रख के पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, या हफ्ते या 2 हफ्ते में एक बार मैं कहूँगा या 2 बार आप लोग इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि अगर दोबारा देख लेंगे तो आपका कन्फ्यूजन जो भी होगा सीजीएस एसआई दूर हो जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा। तो अगर इतना अगर समझ लिया, अगर आपने इस अगर इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन, मान लीजिए 4-5 आए जाएंगे, लेकिन 4 ही क्वेश्चन अगर फंसा तो आपका 20 नंबर बनेगा। 20 नंबर बहुत होता है मेरे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सीजीएस के अतिरिक्त आजकल परमाणु घड़ी में प्रयुक्त तत्व कौन सा है? तो रूबीडियम जो है परमाणु तत्व प्रयुक्त हो रहा है आपका। और अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर और माइक्रो प्रोसेसर में प्रयुक्त घड़ी कौन सी है? तो क्वार्ट्ज घड़ी है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? तो ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र जो है यंत्र आपका फोटोमीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला फ्रेंड्स दोस्तों देखिए कौन सा क्वेश्चन है कि कैंडेला का दूसरा नाम क्या है? तो कैंडेला का दूसरा नाम आपका ल्यूमेन या स्टेरेडियन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एमकेएस पद्धति में शक्ति की इकाई क्या है? तो एमकेएस पद्धति में शक्ति की इकाई आपकी वाट होती है, और एक अश्व शक्ति, इसको हॉर्स पावर भी बोलते हैं, कितने वाट के समतुल्य होता है? आपका 746 वाट। कभी कभी ऐसे पूछेगा आपका क्वेश्चन कि एक हॉर्स पावर में या एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो आपको ऑप्शन देगा जिसमें 746 वाट सही। और कभी कभी ऐसे पूछेगा 746 वाट कितने हॉर्स पावर के बराबर होता है? तो एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति। यहीं पर देखिए ऊष्मा की इकाई देखिए आपकी कैलोरी है, ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन आपका, ऊष्मा और ताप में कंफ्यूज मत होइए। ऊष्मा जो होता है आपका कैलोरी होता होगा, जबकि ताप की इकाई क्या होती है? आपकी डिग्री सेल्सियस यानी डिग्री सेल्सियस होगा। तो ऊष्मा का कैलोरी होगा ऊष्मा का, और ताप का जो है डिग्री सेल्सियस होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर एक बार फिर से कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपका, तो ऊष्मा की इकाई क्या है? ऊष्मा की इकाई कैलोरी, जबकि ताप की इकाई आपकी डिग्री सेल्सियस होगी। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपका कि सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? तो गॉस आपकी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है सीजीएस पद्धति में। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपकी बेल है। अगला क्वेश्चन, 1 डेसीबल किसके बराबर होता है? 1 डेसीबल आपका 1/10 बेल के बराबर होता है। तो लेंस की शक्ति की इकाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा बार क्वेश्चन दोहराया जाता है फ्रेंड्स हर साल लगभग। लेंस की शक्ति की इकाई, लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर होगा, जिसका संकेत आपका डी होता है, कैपिटल डी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश की मात्रक की इकाई क्या है? तो मात्रक की इकाई ल्यूमेन है। और हाँ, एक दिन मैं लाइव आने वाला हूँ जिसमें इस सभी क्वेश्चन को आपका टेस्ट लिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़िए पूरा। चलिए लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और अभी तक कमेंट में बताइए कि आप सभी को कैसा लगा वीडियो, और लाइक करके अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ताप की इकाई क्या है? ताप की इकाई जो आपका डिग्री सेल्सियस होता है। सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व इकाई क्या है? तो सीजीएस प्रणाली में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई आपकी गॉस होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई आपकी बेल है। और देखिए, 1 डेसीबल किसके बराबर होता है? 1 डेसीबल आपका 1/10 बेल के बराबर होगा। हालांकि दोस्तों मैंने लगता है यही फिर से दोहरा दिया है लगता है क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन यही था आपका। तो फ्रेंड्स आशा है वीडियो पसंद आया, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।